नमस्कार, आर भारत टीवी चैनल में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ क्षमा प्रवीण, जहां बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, जन सरोकार से जुड़े मुद्दे भी उठाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की कुछ खबरें, लेकिन उससे पहले आत्मनिर्भर बनिए, किसी पे आश्रित मत रहिए। आत्मनिर्भर इन द सेंस कि आप घर भी बढ़िया से चलाइए और बाहर भी चलाइए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप घर में चूल्हा चौकी ही करें, आप बाहर भी जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, अपने हक के लिए, अधिकार के लिए लड़िए। लड़िए किसके लिए, किससे लड़िए? समाज से लड़िए, जहाँ गलत हो रहा है, कुरीतियाँ हैं, कहीं भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ लड़े, उसके लिए जागरूक होइए, ताकि हमारे आस पड़ोस भी आए दिन कितने लोगों पे अत्याचार होता है वो नहीं होने दें, उस पर रोक लगाएं। देखिए, पहले हम लोग कहते हैं कि पहले तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ रोकिए, और नहीं तो रोकिए। अगर बोलने से नहीं बात बनता है तो क्या किया, फिर एक्शन लेना पड़ता है। फिर हम कहाँ, पुलिस थाना या कहीं ब्लॉक में कहीं ऊपर पहुँचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो पहले हमारा फ़र्ज है कि हम पहले उस चीज़ को रोकें, उस भ्रष्टाचार को, उस गलत चीज़। कहीं किसी बहन के घर में कोई बेटी बहू है, उस पर अत्याचार हो रहा है आए दिन, दहेज को लेके या फिर किसी भी समस्या को लेके झगड़ा होता है, तो उसको हम लोगों को रोकना है। रही बात, हम लोग तो इंटरफेयर नहीं करते हैं किसी का, मगर फिर भी हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा से चले। जो हमारा हक है, अधिकार है, हमको राशन मिलना चाहिए, हमारा कॉलोनी मिलना चाहिए, बच्चों का स्कूल अच्छा होना चाहिए, शिक्षा का स्कूल अच्छा होना चाहिए। हमारा सरकारी स्कूल है, आजकल आज के इस डेट में सरकारी स्कूल में कौन अपने बच्चे को पढ़ाता है? सबका बच्चा जाता है प्राइवेट स्कूल में, क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूल में सुविधा अच्छी नहीं है, पढ़ाई अच्छी नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है पढ़ाते। टीचर अच्छे भी हैं तो वो क्लास नहीं लेते हैं ढंग से। मिड डे मील जो मिलता है, जो वो बच्चों को खाने लायक नहीं रहता है। अगर एक दिन वो लोग आके खान जो इंस्पेक्शन करने आए हैं और देखें तो एक दिन कभी खाना वो लोग नहीं खाएंगे, जबकि हमारा छोटा छोटा बच्चा कैसे खाता है। सभी के गाँव में स्कूल है, कभी आप लोग जाके देखेंगे कि कैसा खाना बनता है स्कूल में, उसके लिए भी आवाज़ उठाना है हम लोगों को। बहुत सारी चीज़ें, घटनाएं होती हैं, उसके प्रति जागरूक हो जाए, बस यही कहना है। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, धन्यवाद। थैंक यू।
है, मैं धनगाई से चल कर आई हूँ। जो हमारी प्रदेश में जो चल कर आई है अभी मैडम जी स्मृति कुमार जी और कंचन दीदी हैं, सब लोग परिचय के मुमताज नहीं है, पूरे हमारे गांव पहचान रहे हैं। धारूपुर से आई हैं, भी प्रदेश में सचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, और यहाँ के जो है ये अपना प्रदेश का अध्यक्ष है, और हम भी हैं तो प्रदेश में सचिव हैं, और इनको तो हम अभी आज नए किरण जी भी सचिव हैं। और हम लोग का काम मिला है कि पूरा प्रदेश में जितना भी हमारे लोकसभा हैं हर जगह जाना है, और अपनी लोग जैसा महिलाओं को जगाना है कि हम लोग एक साथ रहे। जेंट्स कहाँ है, जेंट्स नहीं है, इसके बारे में नहीं सोचना है। जेंट्स आपके बारे में नहीं कुछ सोचता है, जेंट्स का भोज रोज आता है, भोज खाने रोज आता है, आपको एक दिन पूछता है आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा। आप यहाँ आई है तो हम पूछेंगे, मर्द से काहे पूछेंगे, भैया महिला है हमारा, आपका रोज जाना है, कभी एक दिन मौका मिला तो हम हो जाएंगे, हम सबसे लड़ेंगे। और हम लोग लड़ भी कर परिवार से, हम महिला एक साथ होंगे और एक साथ झंडा लेकर चलेंगे, एक मुद्दे पर बात करेंगे, जहाँ रहेंगे तहाँ हम लोग एक साथ रहे, एक साथ जाए। गंगा जी में कूदेगी तो हम पीछे गंगा जी में कूद जाएंगे, आग में जलेगी तो हम आग में जल जाएंगे। आज के पहले थी झांसी की रानी, उसके साथ महिलाओं जितना उस समय थी तबे आज झांसी की रानी कहने लगी, और उसका इतिहास नाम फोटो वोटो आ जाए, आप लोग सब सुनी होगी, पढ़ा है उस पीछे पीछे जितना भी योद्धाओं थे उन लोगों के भी नाम आज इतिहास में छपा है और नाम भी लिया जाता है। तो हम महिलाओं कहीं से कमजोर नहीं है, कहीं से कमजोर है कि हम लोग रात दिन घर में काम करते हैं। लोग कहते हैं कभी कभी कि बैठल बैठल बात कचत रुझा घर में कागज ते हैं जी, आप कमाते हैं बाहर में, हम कमाते हैं घर में, हम आपसे कम कहाँ है। आप कमाते हैं दो घंटे तो हम कमाते हैं रातों दिन, आपको भी देखना, बच्चे को भी देखना, दरवाजा पर इतना तैयार है उसको भी देखना, तो आप कम कहे। आप लोग कभी मत सोचिएगा कि हम महिलाएं हैं हम नौकरी नहीं कर रहे हैं तो हम बैठ कर खाते हैं, हम किसी को कमाई खाते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आप भी कमाती हो तो खाते हैं। और जी प्रदेश महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, और हमारी ये रिंकू कुशवाहा जी, किरण जी, बसंत जी, सबको हम अभिनंदन करते हैं। और हमारे आए ये अक्षय जी मीडिया में है, ये आर भारत के पुनः सपूत अक्षय जी, और विनोद जी आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। या आप आते हम लोग को बात रखिएगा समाज में ज़्यादा अच्छा से, इसलिए आपको स्वागत करना ज़्यादा जरूरी है। और जैसे अभी यहाँ जो मीटिंग बैठाया गया है स्पेशली उन महिला लोग के लिए, तो महिला लोग को बुलाने के पीछे हम लोग क्या कारण है? जैसे अभी यहाँ इतना कम लोग बैठे हैं, कहीं और करते हैं तो 100-150, तो एक दूसरे से सबको हम लोग का परिचय होता चला जाएगा। और आप जो खुल के बोल नहीं पाते हैं, हम खुल के बोल नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ तो यहाँ से सीख के ही जाएंगे। और जैसे हम यहाँ से आवाज़ उठाना सीखेंगे, घर में तो हम लोग लड़ाई वड़ाई सब कर लेते हैं, तो घर की लड़ाई से तो बाहर निकल के लड़ना है। बाहर हमारा क्या अधिकार है जिससे हम वंचित रह जा रहे हैं, उस अधिकार से रूबरू कराने के लिए हम लोग यहाँ पे बुलाए हैं। अपना अधिकार को जो हम लोग भूलते जा रहे हैं, जैसे पहले था औरत लोग को कि घर में रहना है,
तो घर में रहना है तो उस समय घर में उतना मान सम्मान मिलता था घर के अंदर भी, कि पुरुष आते थे तो आपको हर एक सुविधा जो भी काम होते तो सब कुछ कर देते। तो अभी पुरुष होते हैं कि हम चल भाई बाहर देख रहे हैं, तुम घर का देखो, तो घर का देख रहे हैं और बाहर का, घर का देखने के बारे में आपको पता है कि हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, जब हम बताने जाते तो झुंझला कर बोलते हैं, हम कमा के आए बने तब तरह का सामान लगा दे, तो सामान ले हम जब जेबे करता सब काम कहे ना कर, तू वो डाली नहीं था तो हम सब काम कर। तो वैसे ही किरण जी बोले कि स्कूल में जो मिड मील जो मिलता है उसमें बच्चे बच्चा को क्या पता है, उसको जब भूख लगा तो खा ही लेगा ना, घर में जब केयर करती है तो वैसे ही आप भी जांच करने चाहिए स्कूल में हमारे बच्चे को आखिर ये दे क्या रहे हैं, उससे हमारे बच्चे उसका साइड इफेक्ट हो रहा है कि वो उसका अस्वस्थ हो रहा है, तो देखिए उस पर आवाज़ उठाइए कहाँ तक हमको जाना है वहाँ तक जाएंगे, उसको हम बंद कराएंगे, ये क्राइम है एक तरह का। तो इस तरह औरत लोग अपना अधिकार कैसे हमको सबके सामने लाना है, सबके सामने सभी धर्मशिला कहना चाह रही थी कि हमारी बेटी के शादी बा तो ये कहना चाह रही थी हम भाभी के मुंह से करवाएंगे तो हमारा पास पैसा नहीं है हम कैसे बेटी के बिया करेंगे, तो सरकार के पास बहुत सारे योजना आया था जिससे आप वंचित रह रहे हैं। जब आप बाहर निकलती तो आपको पता चलता है कि हम जब मेरी बेटी छोटी थी उसी समय उसका खुलवा देते सुकन्या योजना कौन कौन योजना बहुत सारा मोदी जी चलाए थे, वो नहीं हो पाया है तो आगे हम लोग आपका उस पर विचार करेंगे, लेकिन आज जब आप यहाँ आई हैं तो आपको पता चल जाएगा, फिर दस जगह जाएंगे दस जगह पता चल जाएगा इसे नहीं नहीं है तो उनके बच्चे हैं उनकी बेटी हैं, तो बेटी को क्या क्या योजना आता है सरकार के यहाँ, जब आप बाहर निकलेंगे तब ना आपको समझ में आएगा। मान लीजिए आप नहीं जा रही हैं तो आप अपने बोलेंगे दीदी हम इसे जानत नहीं थी ये योजना के कैसे मतलब हमारे बेटी के हो गए हमारे पास इस चीज़ की दिक्कत बात हम आगे खातिर का कर कि आगे हमारे बेटी के भविष्य बन जाए। मान ली करूर ना जाना था तू जाना था बहू ना जाना था तू जाना था कोई ना कोई तरह बताई, ऐसे कर कर के सब कोई आप सब एक दूसरे पास बैठने से जैसे हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं महिला दस महिला को जुटा रहे हैं तो दस महिला लोग मिल के बात आपस में बात करती हैं ना, लेकिन घर में बैठ के क्या करेंगे दाल चावल करेंगे आ? कहा उतनी है कि विधिवत सब कुछ बताया जाएगा, आप लोग के भी मोहल्ले में जो भी जहाँ से हैं हम वहाँ आएंगे, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, अपने संगठन पे चर्चा करेंगे, अपने पार्टी के बारे में चर्चा करेंगे, तो लोग जानेंगे आपको, हम लोग की विचारधारा अच्छी लगेगी, हम लोग के नेता से जुड़ेंगे, आप लोग ऐसे कर करके नेता के साथ भी पूरी एक बढ़िया बहुत बड़ा जन सैलाब होगा।
तो इसी प्रोग्राम के तहत आप लोग सब लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। मतलब हम आप लोग का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सब लोग आए, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम होगा तो हम महिलाओं से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। इवन आप लोग आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी लेके आइए, ताकि वो भी जानेंगे, हो सकता है कि अगले उनको और अच्छा लगे तो वो कुछ लोगों से और कहेंगे। कोई भी चीज़ महिला संगठन को भी अभी बढ़ाना है आगे, तो इसी तरीके से ना बढ़ेगा कि आप कुछ लोग को जानते होंगे तो आप कुछ लोग से कहेंगे, आपके जानने वाले कुछ लोग को जानते होंगे, तो ऐसे करके हमारा भी एक संगठन मजबूत होगा। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। आप सब लोग आए, बहुत 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 धन्यवाद आप लोग का, और आगे भी आइएगा और हम मिलते रहेंगे।